हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम अगेन डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के 10 क्वेश्चंस। एट द एंड प्लीज मुझे स्कोर कमेंट करके बताना, एंड कोई भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। एंड आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन की थी? हमारे ऑप्शन हैं ए अर्नस्ट हेकल, बी ग्रिनेल, सी डार्विन या डी ग्रिफिथ। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल ने 1866 में जो था वो इस टर्म को डिफाइन किया था और क्या डिस्क्राइब किया था, एज द इकोनॉमीज ऑफ द लिविंग फॉर्म। सो जो इकोलॉजी टर्म है वो अर्नस्ट हेकल ने कब डिफाइन की थी, 1866 में जो है वो डिफाइन की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड। श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी केरला। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है वो सिचुएटेड है। एंड ये नेशनल पार्क होने के साथ साथ, ठीक है, क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसका एरिया करीब करीब 353 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। एंड इसमें बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे टेलाकोना, देन गुंडलाकोना एंड गुंजना, ये सारे वाटरफॉल्स भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में प्रेजेंट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IUCN व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द रेड रिवर जायंट सॉफ्टशेल टर्टल। ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग रेड रिवर जायंट सॉफ्टशेल टर्टल का क्या स्टेटस है? ऑप्शन ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बी थ्रेटन्ड, सी वल्नरेबल या डी एक्सटिंक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो रेड सी जायंट सॉफ्टशेल टर्टल है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही रेयर जो है स्पीशीज है ऑफ टर्टल इन द फैमिली। एंड ये क्या है, एकदम फ्रेश वाटर टर्टल है इन द वर्ल्ड। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली ट्रायो। सो आप इसको जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रायोनी काइड है, ठीक है, इस फैमिली को क्या है ये बिलोंग करता है, ठीक है। एंड इसका जो करंट स्टेटस है दैट इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू द IUCN, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1971, बी 1972, सी 1973 या डी 1974। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1973। इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1973, ठीक है, पूरी डेट है 1 अप्रैल 1973 में जो है ये जो है लॉन्च हुआ था। एंड इसका मेन मकसद क्या था? टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर, ठीक है। और ये क्या है, लार्जेस्ट स्पीशीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था इन द वर्ल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन व्हीकुलर एमिशन, ठीक है, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो व्हीकुलर एमिशंस में प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शंस हैं ए लेड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी अमोनिया। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? व्हीकुलर एमिशंस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया जो है वो व्हीकुलर एमिशंस में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच वन हैज़ द लीस्ट इफेक्ट अपॉन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। को ये जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर वेरिएशन, बी विंड, सी कंडीशंस ऑफ सनलाइट या डी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विंड, ठीक है। विंड एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जिसका क्या है इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और या यूँ बोलो कि इसका लीस्ट इफेक्ट होता है ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, ये ऐसा इकोसिस्टम है जो सिर्फ बायोम्स में पाया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लेकिन जो 7 हमारे प्राइमरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो कौन कौन से हैं? टुंड्रा, टाइगा, टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ठीक है, और बाकी ये और सारे जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। सो जिसका सबसे लीस्ट इफेक्ट पड़ता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव स्वैम्प, ठीक है, कौन सा एनवायरनमेंट जो है वो मैंग्रोव स्वैम्प की
ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए टाइडल फ्लैट, बी मॉनसून, सी इक्वेटोरियल या डी मिक्स्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए टाइडल फ्लैट। टाइडल फ्लैट जो है वो क्या है, टाइडल फ्लैट जो है वो मैंग्रोव स्वैम्प का के ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब द कॉम्बिनेशन ऑफ लो टाइडल रेंज एंड अ क्लाइमेट विच सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन टेंड्स टू रिस्ट्रिक्ट द इंटर टाइडल फ्लैट्स। ठीक है, अब जो भी हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लो टाइडल रेंज है या ऐसा क्लाइमेट है जो वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो क्या है, वो इस इंटरटाइडल फ्लाइट्स की क्या करता है, वेजिटेशन को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जो मैंग्रोव स्वैम्प होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम से सलाइन वुडलैंड होते हैं और श्रबलैंड हैबिटेट होता है। ठीक है, जो मैंग्रोव ट्रीज से जो है वो यूजुअली बनता है, इसमें कोस्टल एनवायरमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही फाइन सेडिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो कलेक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, और वो ये जो है एक तरह सा इकोटोन भी हम इसको बोल सकते हैं, इकोटोन रीजन जो है ये बन जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से वाटर पॉल्यूशन होता है उसको प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल है। ऑप्शन ए वाटर हाइसिंथ, बी एलिफेंट ग्रास, सी पार्थीनियम या डी बी एंड सी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में, और जो जो स्केवेंजर्स, ठीक है, एंड इट इजीली स्केवेंजर्स सम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, जो भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में, उनको बहुत इजीली क्या करता है, स्केवेंज कर देता है, उन पर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो फीड कर जाता है। सो इसी कारण से, ठीक है, हम जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है उस, तो जहाँ पे भी वैसी वाटर बॉडीज है वहाँ पर हम वाटर हाइसिंथ को लगा सकते हैं, एंड इट विल अल्टीमेटली हेल्प इन प्रिवेंटिंग दैट वाटर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अर्थ समिट कब ऑर्गेनाइज हुई थी, किसने ऑर्गेनाइज की थी। ऑप्शन ए यूनेस्को, बी UNCED या डी CWHO या डी यूनिसेफ। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी UNCED। ठीक है, UNCED स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलप। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी, इन विच ईयर 1992 में। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, 1992 में रियो डे जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर जो है ये कॉन्फ्रेंस, ये अर्थ समिट जो है वो हुआ था। ठीक है, और या फिर इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं कि रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सो अर्थ समिट वॉज ऑल्सो नोन एज रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कौन से स्टेट्स में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क जो है वो प्रेजेंट है। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है कोई क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ।